नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बालाघाट मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर आवलाजरी तवेझरी मार्ग पर संचालित शराब दुकान के विरोध में ग्रामीण महिलाओं ने प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत आवलाजरी तवेझरी मार्ग पर विगत कुछ वर्षों से रोड के किनारे शराब दुकान संचालित है, जिससे वहाँ से हटाकर अनियंत्र किए जाने की मांग को लेकर महिलाओं ने गाँव के सरपंच के साथ शराब दुकान के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि ये शराब दुकान रोड के किनारे संचालित है, जबकि यहाँ से ग्रामवासियों के साथ ही युवक युवतियों व महिलाओं का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में कई मर्तबा यहाँ पर शराब पीने वाले अपशब्दों का प्रयोग करते रहते हैं, जो सुनने में बुरा लगता है। साथ ही यहाँ से गुजरते समय खासकर महिलाओं और युवतियों में भय का माहौल बना रहता है। साथ ही गाँव के युवक नशे की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे इनका भविष्य भी अंधकारमय हो रहा है। ऐसे में शराब दुकान को यहां से हटाया जाना चाहिए। ग्रामीणों ने बताया कि ये शराब दुकान बिना पंचायत के अनुमति के यहां पर संचालित है। सर परिचय, मैं अशोक लीलारे, सरपंच ग्राम पंचायत आवलाजरी। आज शराब दुकान में इतनी महिलाएं क्यों आई है? महिलाएं इसलिए आई है क्योंकि हमारे गांव में जो बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो ये शराब भट्टी हमारे गाँव में रहने के कारण बहुत सी महिलाएँ विधवाएँ हो गई है, बहुत से बच्चे अनाथ हो गए हैं। दूसरी चीज, शासन के नियमानुसार 31 मार्च को नए ठेकेदार का चयन हुआ, उसके बाद हमने ये ठेका सोम कंपनी को मिला। हमने उनका आवेदन आया ग्राम पंचायत आवलाजरी में, हमने उनका आवेदन रिसीव किया, हमने उनको एक नोटिस तामील किया कि आप आ जाइए, पंचायत का जो अनुबंध होता है वो अनुबंध नियमानुसार किया जाए और उसमें कुछ नियम और शर्तें रहती हैं जो गाँव के हित में रहती है। जैसे यहाँ जो डिस्पोजल पाउच वगैरह फेंकते हैं और यहाँ जो रोड में बैठ के शराब पीते हैं, हमारे गांव की जो महिलाएं आती जाती हैं उनको बहुत तकलीफ होती है। यहाँ से कम 50 लोगों की खेती पड़ती है, गांव की महिलाएं जाती हैं, उससे ये दारू भट्टियाँ सामने होने से बहुत तकलीफ हो रही है गांव के लोगों को। हम चाह रहे हैं यह दारू भट्टी यहाँ से हटना चाहिए, पूरे गाँव के लोग हमारे साथ में है और दारू भट्टी हटाने के लिए हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। शराब दुकान लगाने के लिए तो आपकी पंचायत ने इनको परमिशन दी होगी जब तक लगाई? हाँ, पूर्व सरपंचों ने जो भी किया मैं उनको दोषी ने है, वो कैसे दिए उन्होंने वो मुझे नहीं पता। खैर, वो सरपंच से अभी आज वर्तमान में हूँ, पर मुझे गांव से बहुत प्रेशर दिया जा रहा है कि दारू भट्टी गांव से हटना चाहिए क्योंकि बहुत सी महिलाएं, बहुत से बच्चे अनाथ और विधवाएं हो गई हैं और लोग घर के चावल बेचकर, सुबह मैं यहाँ आया हूँ 8 बजे से, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर से चावल बेच के, दाल बेच के यहाँ दारू पीने आ रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि आपने सोम कंपनी से बात की है अभी? हाँ, सोम कंपनी से बात की, सोम कंपनी को लेटर भी दिया जाता है, यहाँ के गद्दीदार लेटर लेने तैयार नहीं है। दूसरी चीज़, हमने मोबाइल से कांटेक्ट करने की भी कोशिश किया, दिन भर में 10-10 बार फ़ोन करने के बाद भी वो लोग फ़ोन रिसीव नहीं करते। यानी कुल मिला के हमारे गांव की भट्टी, कमरा हमारा, जगह हमारी, उसके बाद भी ये सक्षम नहीं है हमारी बातें सुनने। क्या कदम रहेगा? कदम यही रहेगा कि मंगलवार को हम लोग जनसुनवाई में पूरे गाँव के लोग कलेक्टर साहब के पास जाएंगे और 11 तारीख की, आने वाली 11 तारीख को गांव में ग्राम सभा है, उसमें प्रस्ताव पारित करके और भट्टी हटाने के लिए कार्रवाई नियमानुसार।